अरे रान 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 चला उठू सारे रान रे, जान 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 जहरी दुश्मनाला जान रे, जान 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 जहरी दुश्मनाला जान रे। कठीण आला काळ मातीशी तुटे नाळ, युगाचा अंधा खेळ डोळेच केले घाळ। सावात दिसे चोर घुबडात दिसे मोर, लहानात दिसे थोर थोरात दिसे पोर। अरे भले भले भुलले भलतेच गाती गान रे, हे दुश्मन दुश्मन सर्वनाशी तरी गुण गान रे, जान 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 जहरी दुश्मनाला जान रे। वेलकम टू दिस व्हेरी स्पेशल एंड म्यूजिकल एपिसोड ऑफ जस्टिफाई सीजन 2, अ पॉडकास्ट ऑन लॉ एंड पॉलिटिक्स। And Adda is not only about deep conversations, it is equally about song. The song you just heard is from Chaitanya Tamhane's critically acclaimed film, Court, where we meet Narayan Kamle, a Lok Shahir and social activist, perform this song on stage. Today, you heard the voice of the music director of Court, as well as the person who sang the song, Sambhaji Bhagat. Sambhaji Bhai, welcome. Dhanyavaad. So, हमारे श्रोताओं के लिए मैं थोड़ा कोर्ट के बारे में पहले कहता हूँ कि आज ये एपिसोड थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये म्यूजिकल एपिसोड होगा। हम हिंदी इंग्लिश मराठी मिला के करेंगे ये एपिसोड, तो थोड़ा सा ये अलग किस्म का एपिसोड है। तो हमारे श्रोताओं के लिए जो कोर्ट मूवी देखे नहीं है, सो कोर्ट इज अ पॉइग्नेंट एंड रियलिस्टिक डीप डाइव इनटू द ऑपरेशन ऑफ इंडियाज पुलिस एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मार्क्ड बाय डिलेज एपथी एंड हाई हैंडेडनेस। मोस्ट ऑफ इट is caused by us lawyers, either directly or indirectly, by not doing enough to prevent it from happening. As a result of these actions, we have an oppressive criminal justice system that targets the poor and marginalized. Particularly at risk are Lok Shahirs, who protest against injustice through accessible songs and music. Today, Sambhaji Bhagat is here. He's a Dalit activist, Lok Shahir, playwright and balladeer, and as I said, the composer of the music for Court. So, Sambhaji Bhai, आपके चालू करते हैं। हमारे काफी श्रोता वकील है, जैसे मैं कह रहा था आपको, या फिर लॉ स्कूल में पढ़ रहे हैं, वकील होने की तैयारी कर रहे हैं, तो लगभग सभी का यही इरादा है कि वकालत करके देश के लिए कुछ भला करें। आप काफी बार इंटरव्यू में कह चुके हैं कि पुलिस आपको अरेस्ट कर चुके हैं और न्याय मिलना ये देश में कितना मुश्किल है, ये हम सबको पता है। ये कोर्ट पिक्चर देख के ये विचार और कानून व्यवस्था की क्या देखते हैं आप, किस दृष्टि से आप ये विचार और कानून व्यवस्था को देखते हैं? देखिए, हमारे देश में जो न्याय है, ये जैसे ये कल्चर शुरू हुआ इस देश में करीबन 5000 साल से, हम देखते हैं इस देश का हिस्ट्री, ये हिस्ट्री में हम देखते हैं कि जो जमीन पे काम करने वाला जो इंसान है, नीचे जो है, उसको ये आजाद के नाम से, पात के नाम से, धर्म के नाम से, वर्ण के नाम से, हर हमेशा न्याय जो है वो जस्टिस इज डिनाइड फ्रॉम 5000 ईयर्स। और ये सिलसिला तो मतलब चलते रहा है। पहले तो मनु का धर्म था, तो मनु के हिसाब से न्याय व्यवस्था चलती थी। इस देश में ब्रिटिश आए, उन्होंने पहले कोर्ट ब्रिट ये सब सिस्टम चालू किया, तो ये थोड़ा अच्छा ही था, तो क्योंकि ब्रिटिश लोगों ने हमको लूटा। लेकिन एक चीज बोला कि भाई कानून बनता है तो कानून के सामने सब लोग समान है। ये सुनने के लिए बहुत अच्छा लगता है। पहले तो कानून के सामने कोई समान नहीं था, वर्ण के हिसाब से पूरा राज चलता था और वर्ण के हिसाब से जो भी न्याय मिलता था। तो ब्रिटिश आए तो बोले कि भाई नहीं, कानून के सामने सब एक है, हमको अच्छा लग रहा है। ब्रिटिश लोगों ने कोर्ट चालू किया, लेकिन कोर्ट इस देश में चालू था ना, जिस देश में कोई डेमोक्रेटिक वैल्यूज, उसका कॉन्शियसनेस, व्हेन देयर इज नो डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस, हाउ द लीगल सिस्टम कैन बी अ डेमोक्रेटिक? सही बात, वो डेमोक्रेटिक हो नहीं सकता है। लेकिन वो आया और आप देखते हैं कि बहुत सारे, मतलब 1818 में महाराष्ट्र में सब एंड हो गया, 1845 में सब पूरा इंडिया उनके हाथ में गया, इसके बाद में कोर्ट और ये सब सारी चीजें आ गई। हमको लगता है कि स्लोली 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 अलग अलग कानून बनते गए और फिर कॉन्स्टिट्यूशन आया। अभी वही चल रहा है, 26 नवंबर में वो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने 49 में हम लोगों ने एक्सेप्ट किया है, तो उसका वो लीगल है हमारे लिए, वो लॉ का बुक है। लेकिन देट इज नॉट ओनली लीगल डॉक्यूमेंट,
इट इज मोर फिलोसॉफिकल भी डॉक्यूमेंट है, उसका जो प्रियाम्बल है वो फिलोसॉफिकल है और उसके जो अंदर के जो भाग है वो लीगल है, चलो ठीक है। अब ये बहुत पुरोगामी है, मतलब डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और करीबन 200 बहुत सारे राजा के प्रतिनिधि, अलग अलग वर्ग के प्रतिनिधि, अलग अलग पार्टी के प्रतिनिधि, अलग जाति के प्रतिनिधि, धर्म के प्रतिनिधि, सब लोगों ने उसके अंदर 15 तो औरतों भी थी, औरतों का भी सहभाग रहा बनाने में, ये बन गया। लेकिन वही सवाल है कि जिस देश में डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस नहीं पैदा होता है, डेमोक्रेटिक रिवोल्यूशन के बिना जनवादीकरण होता नहीं है, तो वही सिलसिला आगे भी चालू रहा है। ये जो फीलिंग है आपकी कि ये जो डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस है, ये कॉन्स्टिट्यूशन होने की और आने की बावजूद ये डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस अभी नहीं आया, आपके गाने में ये आप कैसे एक्सप्रेस करते हैं? अभी गाने तो मैंने बहुत लिखे हैं, अभी तो मुझे एक सुना दीजिए। अभी ये हम एक सिंपल जो चीज होता है कि डिनाई कैसे करते हैं, इस देश में न्याय को डिनाई कैसे करते हैं, इसके बारे में एक गाना है। तो वो पूछता है इंसान, दिस इज इन मराठी, ये चेरामंडा राजू करके एक बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी पोएट थे, उन्होंने लिखा हुआ गाना तेलुगु से इंग्लिश में आया, इंग्लिश से मराठी में आया, तो इसकी जर्नी बहुत बड़ी लंबी है। तो ये गाना भी पूछते है क्या, अरे हड़ाची काड़े करुण काड़ेला खानी तुन कोळसा, खोकुन आमचा जीव गेला नी भरला तुझा खिसा, तवा बदमाशा कळला नव्हता का धर्म आमूचा, उदादार तवा तू कसा विचारलं नाही कि आमची जात कंची है, आमचा धर्म कंचा है, आमची जात कंची है, आमचा धर्म कंचा है। ही इज आस्किंग कि भाई जब हम काम करते हैं तब कोई हमको कोई रिलीजन नहीं पूछता है, कोई जाति नहीं पूछता है, जब देने की बात आती है तो बोलते हैं आपकी जाति क्या है, सही, आपका धर्म क्या है, सही है। अरे भाई धर्म ने काम किया था क्या, जाति ने काम किया था क्या? चिखला तू नामी मड़क बनवलं पानी प्यालास, वाहून ढोर बांधल्या चपला वाना घातल्यास, तवा बदमाशा कसा नाहीर तू बाटलास, उदादार तवा तू कसा विचारलं नाही कि आमची जात कंची है। वॉटर मेक्स वॉटरी, पीपल ब्रिंग्स वॉटर, पीपल ड्रिंक्स वॉटर। हम लोग वो पूजा का जो थाली बनाते हैं, वो फूल उसके अंदर रखते हैं, वो थाली हम बनाते हैं, वो तो अछूत लोग बनाते हैं सब चीज, पूरा चीज। अरे भगवान को अच्छा लगता है, आपको भी नहीं अच्छा लगता है? आपको तो मैं बोलता है ना कि भाई ये आए करके, अरे आप क्यों अछूत करते हैं हमको? तो ये बहुत सटीक तरीके से तुम्हारे जस्टिस को डिनाई करने की बात है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप ये कोर्ट 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 के फिल्म में जो ये जो शब्द यूज किया है कि जान रे दुश्मन आला जान रे, ये दुश्मन आपके लिए कौन है? ट्राई टू अंडरस्टैंड योर एनिमी। एनिमी सब जगह, मतलब एनिमी क्या होता है इस देश में, एनिमी मतलब क्या है? एनिमी मतलब जो जिंदा रहने के लिए, जिंदा रहना डिनाई करता है, मीनिंगफुल लाइफ इज डिनाइड, दोज हु आर डिनाइंग दैट थिंग, तो एक चीज बताइए, ये जो आपका लोक शायरी का ट्रेडिशन है जो महाराष्ट्र में काफी स्ट्रॉन्ग है, काफी दूसरे जगहों पे भी है, तो इसमें बाबा साहेब आम्बेडकर की कितनी बड़ी भूमिका है आपके लाइफ में, लोक शायरों के लाइफ में? क्योंकि ये अम्बेडकरी जलसा तो शुरू हुआ था 100 years पहले हुआ था, तो अब ये बाबा साहेब अंबेडकर कितना बड़ा भूमिका निभाता है आपके लाइफ में? I cannot describe that thing. See, he is like, मैं तो गॉड तो नहीं मानता और उनको भी गॉड नहीं कहता, क्योंकि वो खुद गॉड मानने के हिसाब में नहीं थे, लोग उसको गॉड करते हैं, लेकिन मैं तो नहीं, मैं तो इंसान मानता हूं, और मैं हमारे जैसे कोई एक नजदीक आदमी होता है जो आपका गाइड है, आपका फिलोसोफर है, आपको प्यार देता है, वो मेरे लिए बाबा साहब हमारे पिताजी जैसे हैं, जो हमारे माताजी जैसे हैं। पिताजी बोलेगा तो वो मेल शॉविनिस्ट होगा, ये माता है हमारी, वो हमारी माँ है, और वो माँ जो है जिस तरह से बच्चे को प्यार देती है, फिलोसॉफी देती है, आइडियाज देती है,
गलती हो गए तो संभाल लेती है। बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए वो इंसान है जो ये हमारे माँ के जगह पे है। तो लोक शायरी में उनका बहुत बड़ा मतलब, लोक शायरी वो लोग वो खुद तो कोई पोएट्री या और ये ऐसा नहीं, लेकिन हजारों पोएट्स को जन्म देने वाला एक फिलोसोफर है। फिलोसोफर हु गिव बर्थ टू थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ द सिंगर आर्टिस्ट एंड परफॉर्मर्स। तो ये इंसान की ताकत थी। He was a great philosopher. He was not only thinker, he was a philosopher. That's right. तो ये ताकत है उनकी। अब जो हमारे जिंदगी में जो उनका जो योगदान है हमारे पर्सनल जिंदगी में, तो हम पर्सनली क्या है, हम एक गांव के बाहर जन्म लिए हुए इंसान है। बंबई में फुटपाथ पे आए, वड़ा पाव के गाड़ी के ऊपर काम किए और फटा हुआ पैंट पहन के कॉलेज में गए। वो इंसान आज आपके साथ में बात कर रहा है, हिंदी मराठी इंग्लिश जो भी है, आज दुनिया में जा रहा हूं इधर उधर, वो किसके बदौलत है? वो अगर हमको एजुकेशन का राइट ही नहीं देते, एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट करके हमको बताते नहीं, अरे हम कैसा जिंदा रहते। तो ये हमको जान हमारा जिंदगी देने वाला इंसान है। तो मराठी में जो लोकशायरी है उसकी परंपरा तो बहुत पुरानी है। तो कुछ बताइए उसके बारे में, क्योंकि काफी श्रोताओं को पता नहीं होगा कि लोकशायरी की परंपरा कितनी पुरानी है। भाई और बहनों, महाराष्ट्र में जो ये लोकशायरी की परंपरा है, इसका जो ओरिजिन है, ये जो मातृदेवताएं होती थी, मतलब जो मैट्राइकी जो थी, मैट्राइकल सिस्टम जो थी हमारे पूरे हिस्ट्री में, हमको जानते हैं कि मैट्राइकल सिस्टम से गए हैं, मातृदेवताओं का जो एक राज्य हुआ करता था, तो उसके गुणगान करने वाले जो भांड होते थे, भंड या भांड, ये अभी भी रहते हैं। ये देवी के भगत होते हैं। मेरा भी नाम भगत है, मुझे भी लगता है कभी मेरे पुरखे ये देवी के भगत हो रहे होंगे, पता नहीं मुझे, लेकिन वो उनसे ये लोक शायरी की परंपरा जो है कि देवी के गान गाते 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 फिर जो लोग रणांगन में जो युद्ध करते थे और युद्ध में जीतते थे या मरते थे, उनके गुणगान गाने वाले लोग ये शिवाजी के टाइम में, खास करके 13वीं सदी में कुछ लोग ऐसे निर्माण हुए। फिर 17वीं सदी में तो अगिनदास करके, मतलब उसका तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिलता है, शिवाजी अंडरग्राउंड इन भीमनगर मोल्ला नाम का नाटक मैंने लिखा। मैं सिर्फ लोक शायर नहीं हूँ, हम लोग नाटक भी किया है, शिवाजी अंडरग्राउंड इन भीमनगर और बॉम्बे 17, ये सारे उसका वो बाद में कभी बात करेंगे। तो शिवाजी के तभी स्टडी कर रहा था, तभी अगिनदास करके एक इंसान है जिसको शिवाजी महाराज का जो मतलब सैन्य में काम करता था, और ये जिधर युद्ध होता था उसका वृत्तांत, जैसे कि महाभारत में संजय है, संजय वाच, वैसे ही ये लोग काम करते थे कि जिधर वो युद्ध होता है उसका वर्णन जाके दूसरी जगह पे करते थे। तो उससे शिवाजी महाराज ने ऐसे लोगों को बहुत संभाला है, मतलब बहुत ऐसे लोग थे जो खास करके जो गुप्तचर विभाग है, उसको क्या बोलेंगे, सीआईडी डिपार्टमेंट, क्या गुप्तचर को क्या बोलते, स्पाई, स्पाई तो निगेटिव हो गए, अच्छा अच्छा आदमी, अच्छा स्पाई, इंटेलिजेंस है, अच्छा स्पाई, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट था, उसमें काफी लोग थे ऐसे जो आते थे और जाके शत्रु के खेमे में जाते थे और उधर से सब पूरा न्यूज निकाल के, जैसे भाई हमारे पंतप्रधान क्या कर रहे, क्या खा रहे, आम काट के खा रहे क्या, ऐसे ही खा रहे, वो सब निकालते है। वैसा ये लोग भी अंदर जाके ये जो राजा महाराजा जो भी है क्या खाते, क्या पीते, कैसा सोते, और फिर गाना गाते थे अच्छा घुसते थे। तो ये गाना गाने वाले जो लोग है ये शायर है, ये शायर है, शायर मतलब लिखने वाला, शायर मतलब लिख के गाने वाला, लिखता भी है और गाता भी है। तो उसके बाद में ये छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम में ये लोक शायरी जो है पीपल्स के लिए थी। उसके बाद में महाराष्ट्र में आपको मालूम है मराठा रूल गया और पेशवाई आ गई, फिर वो दरबारी लोग हो गए बहुत, मतलब राजा के दरबार में जाके उनका गुणगान करने वाले जो लोग है वो तैयार हो गए और वो काफी टाइम के लिए चला। उसके बाद में महात्मा ज्योतिराव फुले आते हैं, महात्मा ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक जलसा वो शुरू किया, तमाशा या जलसा, जिसके बाद में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के तो
मतलब जो पूरे जो लोग थे ये गाना गाने वाले लोग थे। मराठी में एक बोलते हैं कि कुंब्या घरी दान बामना घरी ज्ञान, आने बामण्याच्या घरी ज्ञान आणि दलिता घरी गाण, म्हणजे महारा घरी गाणं दलिता। अभी गाणं हमारे रग-रग में है। अरे हम दुख सहते हैं तो गाना ही गाते हैं ना भाई, हमारा घर में कुछ भी होने दो हम गाना गाते हैं, मरता है तभी भी गाना गाते हैं, जन्म होता है तभी भी गाना गाते हैं, कंधे भी उठा के लेके जाते तभी भी गाना गाते हैं, तो हमारा पूरा जिंदगी में गाना बहुत है। तो सोचिए ये एक अम्बेडकरी जलसा ही हो रहा है और एक गाना सुना दीजिए, क्योंकि बाबा साहेब अम्बेडकर में पढ़ रहा था एक टेक्स्ट में लिखे हैं कि हम मेरे 10 मीटिंग के बराबर है शाहिर भीमराव कड़दक की एक जलसा। हमारे पुराने हमारे पिताजी है, हमारे पुरखे हैं वो भीमराव कड़दक जी, वामन राव कड़दक जी हमारे पिताजी जैसे है। हाँ। जन्म देने वाले आइडियोलॉजिकल जन्म वही लोग दिए हैं, हमारे फिजिकल पिताजी तो बहुत गरीब थे लेकिन हमारे ये जो पिताजी है वो तामीर है। तो जिनके इन्होंने ये अम्बेडकर जलसा की, अभी मैं बाबा साहब का गाना गाता हूँ आपने, तो ये गाना पुरुषों के नजर से नहीं है या औरतों की नजर से है, औरतें बाबा साहब की तरफ कैसे देखती है। भीम राजा रे महा भीमा, भीम राजा रे महा भीमा, माझा भीम मले भेट तो बाई, मले सांग तो काई, मले सांग तो काई, मले सांग तो काई, शेता शेताच्या पातीला उभा, राप्त्या हाताच्या साथीला उभा, भूक जगणाऱ्या रातीला उभा गा, मुख्या वासराच्या अस्वात बाई, भीम पाहते बाई, भीम पाहते बाई, भीम पाहते, एक खेतों में और बाबा साहब को याद करती है और वही उनका कॉमरेड है, इंग्लिश में कॉमरेड बोलेंगे, हिंदी में साथी बोलेंगे, मराठी में बाप या जो भी है नजदीक का आदमी वही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर आप ये कॉमरेड शब्द इस्तेमाल किए तो इसमें एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग बात याद आया। एक्चुअली मैं वकालत करता हूँ, थोड़ा हिस्ट्री की भी चर्चा करता हूँ, तो अम्बेडकर को तो सब अपने मानते हैं, कांग्रेस से लेके बहुजन समाज, भाजपा से लेके कम्युनिस्ट, सभी के पास अब अंबेडकर की अटलीस्ट एक फोटो तो है। आपके ऊपर कम्युनिज्म की तो काफी प्रभाव दिखता है, आपके गाने में भी दिखती है। सो पर मुझे ये याद आता है कि 1934 में जब ये पूना पैक्ट साइन हुआ था अंबेडकर, बाबा साहेब अंबेडकर और गांधी जी के बीच जो पैक्ट साइन हुआ था, तो ये नंबूदरी पाद जो बड़ा कम्युनिस्ट लीडर थे तब बोले थे कि ये कास्ट इशू सब डिस्ट्रैक्शन है, ये सब इशू डिस्ट्रैक्शन है और ये कम्युनिस्ट मूवमेंट को इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। तो आपको क्या लगता है, आप तो कम्युनिस्ट मार्क्स के राइटिंग से, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था आपको, आप बोल रहे थे कि आप कितने प्रभावित है, ऑब्वियसली बाबा साहेब को आप पिताजी जैसे मानते हैं, आपको क्या लगता है कि ये दो फिलोसफी जो है इसके इसमें मेल बंधन है? देखिए ये बहुत बड़ा डिबेट है। हाँ, ये जिंदगी भर चलेगा। एक चीज है कि जो कम्युनिस्ट विचार इस देश में आया, ये आया पहले इंटेलेक्चुअल्स में, ऑफ कोर्स इंटेलेक्चुअल्स तो अपर कास्ट थे, तो मार्क्स ने उसके हिसाब से यूरोप का कंडीशंस जो है वो यूरोप के कंडीशन के हिसाब से काम किया था और उसको लगता था कि वर्ग संघर्ष है, लेकिन यहाँ की जो पिकुलरिटी है, सो दिस सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी इज नॉट बेसिकली होमोजेनियस सोसाइटी, दिस इज अ बेसिकली कास्ट सोसाइटी। एंड हु अंडरस्टूड दिस थिंग, द फर्स्ट ऑफ ऑल फुले एंड बाबा साहब अम्बेडकर अंडरस्टूड दिस थिंग वेरी, बिकॉज दे आर यू नो वर्किंग इन मासेस एंड दे नो वॉट एग्जैक्टली हैपनिंग इन द मासेस, तो उनको तो मालूम था। अब ये कम्युनिस्ट जो लीडर थे उनको लगता था कि वर्ग संघर्ष है, गरीब और अमीर का तो दिखता ही है, सीधा दायरा सीधा है, तो हम रिवोल्यूशन करेंगे। लेकिन इस देश में ये रिवोल्यूशन इतना ईजी चीज ही नहीं है, कास्ट सिस्टम होने की वजह से उसको पहले समझना चाहिए। तो जो मार्क्सिस्ट रहे हैं, नमूद्रीपाद हो उन्होंने तो, या जो भी मार्क्सिस्ट रहे हैं, तो उनका पूरा मार्क्सवाद का अंडरस्टैंडिंग ब्राह्मिनिकल है, दे आर ब्राह्मिनिकल मार्क्सिस्ट। तो ब्राह्मिनिकल मार्क्सिस्ट होने की वजह से बहुत सारा डिबेट चला। अभी बाद में जब हमारे जैसे लोग है जो बाबा साहब को पढ़ते हैं और इंटरनेशनल फिलोसॉफीज भी पढ़ते हैं, साइंटिफिक फिलोसॉफीज बहुत पढ़ते हैं, हमको लगता है कि मार्क्स का जो
हिस्टोरिकल एंड डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म का जो थिंकिंग है इसको अप्लाई करके कास्ट डायलेक्टिक्स निकालना पड़ेगा, डायलेक्टिक्स ऑफ द कास्ट निकालना पड़ेगा, और ये नए तरीके से इसका एक नया थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग खड़ा करना पड़ेगा। ये अलग अलग तरीके से लोग उसको सोचते हैं। हम बाबा साहब ने एक रास्ता दिया है कि भाई ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर काम करो और इससे कुछ निकालो। अभी ये डेमोक्रेटिक सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए हमको कास्ट को खत्म करना पड़ेगा पहला, द प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन, तो बेसिक कॉन्ट्रडिक्शन जो है इधर कास्ट को पहला खत्म करना पड़ेगा। इसके लिए हम लोगों को बहुत स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि ये सोसाइटी जो है दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस सोसाइटी इज सो हाई, द इंटेंसिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इज सो हाई, सो मेनी इंटेलेक्चुअल्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉम्प्लेक्सिटी। अभी ये कॉम्प्लेक्सिटी समझने का मेरा भी कोई ताकत नहीं है, मैं तो एक रस्ते का गाने वाला इंसान हूं, लेकिन थोड़ा बहुत पढ़ता हूं, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड करता हूं, तो मुझे लगता है कि ये कास्ट का जो डायलेक्टिक्स है इसको, क्योंकि उसका मेकिंग जो है ना ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। दिस इज नॉट ओनली कास्ट सिस्टम और दिस इज नॉट ओनली इनइक्वेलिटी, दिस इज अ ग्रेडेड इनइक्वेलिटी। इनइक्वेलिटी है लेकिन ग्रेडेड है, और सबके नीचे औरतें हैं 50%, उसका क्या करेंगे? तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी इज सो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। बट आप ये कह रहे हैं कि द फंडामेंटल डिविजन इन इंडियन सोसाइटी इन योर व्यू इज नॉट ऑन क्लास लाइंस बट ऑन कास्ट लाइंस, कास्ट लाइन पर क्लास जेंडर ये सब आता है उसके ऊपर। तो सिर्फ कास्ट के खिलाफ में लड़ने को जाएगा तो कास्ट से खिलाफ में लड़ना मुश्किल हो जाएगा, तो कास्ट को समझना पड़ेगा। और कास्ट मतलब वर्णा, वर्ग और ये औरतों का शोषण, स्त्री का जो शोषण होता है, ये तीनों को हमको खत्म करना पड़ेगा। तो इसके बारे में तो बड़ा मूवमेंट खड़ा करने में इसका कोई मतलब स्ट्रेटेजी टैक्टिक्स ये सब जो है ना ये बनना है, ये बनना पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले ये पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन के पहले एक कल्चरल रिवॉल्यूशन की जरूरत है इस देश को। That's right. तो जब ही इतना कॉम्प्लेक्स इश्यू हमारे सामने आके खड़ा होता है तो हमें लगता है कि जब हमें इसको एक्सप्लेन करने के लिए भाषा नहीं होती तो तब गाना ही बेस्ट है, क्योंकि ये गाना एक दो शब्द में जो हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपका इसमें कुछ गाना है? मुझे जो आइडियोलॉजिकल जो प्रॉब्लम हुए तो ये मुझे लगा, तो मैंने गाना काफी फिलोसॉफिकल है, लेकिन अभी पता नहीं हाउ मेनी पीपल विल अंडरस्टैंड दिस मराठी वर्जन। मराठी थोड़ा सा आप जैसे एक्सप्लेन कर रहे थे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते करते जाइए, समझ जाएंगे। दसले तडंख डोळ्याला काटे पायाला कोण ढकलत नेते बघर तुमच्या दिहाला कोण ढकलत नेते बघर तुमच्या दिहाला। मतलब क्या है कि आंखों को सांप डसता है, डसले तो डंक डोळ्याला और पैर में शूल है काटे है, डसले तो डंक डोळ्याला काटे पायाला और कौन हमारे हमको ऐसा जैसा कागज को पवन या वारा या हवा लेके जाता है वैसे इंसान हमको ढकेल ढकेल के लेके जा रहे हैं, कौन है ये लोग। और इसके बाद में बोलता है देह पोत्यारा हो ना सारव तो घर, देह पावर हो ना पेरे धरती चाहत, देह पाऊ समाजा जिते पनाची सर, देह चंद्र सूर्याचा गळ्यात वहतो सुर, आत्म्याच तुटल तुंतुन जुनी भुन भुन, देह देहच आहे पैंजण जुनी ऋण झुण, पाऊल अडे जायाला पाऊल अडे जायाला। बिकॉज वी डोंट नो फिलॉसॉफी, the crisis is not only ideological, crisis is philosophical, and it is not limited to India, the whole human race is facing philosophical crisis today. That's right. And that's why I'm talking ki pehle to philosophical crisis ko samajhna padega, aur philosophical crisis ek bar thoda bahut Indian ye pure human race ko samjhega na thoda line pe log aa jayega. That's right. Isliye mujhe lagta hai ki the problem is always philosophical ideological, ये होता है, और ये कोई ऐसा मतलब इकोनॉमिकल या ऐसा नहीं होता है, प्रॉब्लम always ideological होता है और उसके पीछे फिलोसॉफी होती है।
हम्म, हमको समझना चाहिए बेसिकली दिस क्राइसिस इज अ फिलोसॉफिकल। सो बाबा साहेब के राइटिंग से आप ये फिलोसॉफिकल क्राइसिस को कैसे समझते हैं और इसकी हल कैसे निकलेगी? क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे गांधी जी जैसे बाबा साहेब की यू नो पिक्चर अब सभी सरकारी ऑफिस में भी लगे हुए रहते हैं सबके, सो सब जगह फोटो तो दीवारों में है, पर आपकी लगता है कि दिल में किसी की वो फिलोसफी पूरी तरह समझ में नहीं आया, तो आपको आप कैसे ये समझे हैं बाबा साहेब की ये फिलोसफी? देखिए बाबा साहब ने दो चीजें अंतकाल में किए हैं, पहले जो किया है बहुत किया है, उसके बारे में सबके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। अंत में जब बाबा साहब ये दुनिया को छोड़ के निकल गए तो उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसके पहले लिखा है, तो बाबा साहब का तो बहुत क्लियर अंडरस्टैंडिंग था कि एक कल्चर ऐसा बनना चाहिए, डेमोक्रेटिक कल्चर, प्रजासत्ताक संस्कृति बननी चाहिए, और ये प्रजासत्ताक संस्कृति से हम बुद्ध के ओर निकल जाएंगे। और बुद्ध को तो आप जानते हैं, पूरे दुनिया में नाम है, आप भी बुद्ध की बुक्स पढ़े होंगे, वकील लोग पढ़े नहीं होंगे तो पढ़ो, बुद्ध ने जो राह दिखाई है ये पूरे दुनिया को राह दिखाई है, और बुद्ध इस भूमि के महत्तम क्रांतिकारी है, बहुत बड़े क्रांतिकारी है। तो ये सब फिलोसॉफी अभी मैं बताना बहुत मुश्किल है। तो बाबा साहब वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्ध एंड बाबा साहब वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेमोक्रेटिक फिलोसॉफी, डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी। तो बाबा साहब को डेमोक्रेसी चाहिए और बुद्ध के ओर जाने वाला एक रास्ता, तो वो हम समझते हैं कि हमको अंत में बुद्ध के ओर जाना है। कोई कम्युनिस्ट होने दो, कोई मार्क्सिस्ट होने दो, कोई समाजवादी होने दो, कोई अम्बेडकरवादी होने दो, कोई आपके जैसे इंटेलेक्चुअल जो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल समझता हो आपको, तो ऐसे तो अंत में आपको बुद्ध की ओर जाना पड़ेगा। मतलब सच में लाइफ में अगर कुछ मतलब मीनिंगफुल लाइफ जीना है तो बुद्ध की ओर ही चलना पड़ेगा। तो बुद्ध को क्या आप एक धार्मिक रूप से देखते हैं या फिर बुद्ध को आप एक कुछ वैल्यू जैसे रूप से देखते हैं? फिलोसोफर करके देखते हैं, फिलोसोफर, हम फिलोसोफर। और ये बुद्ध के फिलोसफी में ये क्या एक दो चीज है जो आपको लगता है कि आज की दुनिया में सबकी सबको सबसे ज्यादा जरूरत है? मुझे लगता है कि उसका जो फिलोसफी में जो प्रत्युत्व समुत्पादा का सिद्धांत है, ये बोलता है कि ये दुनिया रुकता नहीं है, चलते रहता, मतलब जो प्रवाहीपन है उसका, जो प्रवाही मतलब क्या इंग्लिश में बोलेंगे उसको, चलने वाला मतलब खुद के ऊपर रुकने, प्रवाह, अच्छा द टाइड, टाइड, वैसा है, चलने वाला है। तो लाइव में कल के उत्तर आज नए लागू पड़ते हैं, रोज नए तरीके से जिंदगी को देखना पड़ता है। फिर ये दुनिया अंदर से एक दूसरे के साथ में जुड़ा हुआ दुनिया है, और ये जुड़ा हुआ दुनिया एक के ऊपर असर करेगा तो दूसरे के ऊपर करेगा, ये बुद्ध ने पहले ढूंढ के निकाला। तीसरा चीज है कि हमको जिंदगी में जाना है तो हमको समाज के साथ जाना पड़ेगा, उद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, ये सब पूरा है। और हम लोगों को त्रिशरण जो है, पंचशील है, पंचशील भी है, और अष्टांगिक मार्ग है, ये रास्ते से जाना पड़ेगा। ये सब पूरा एक्सप्लेन करना, ये इंटरव्यू एक आधा घंटे का जो भी है, दैट्स राइट, ये इम्पॉसिबल है, लेकिन ये बुद्ध ने बताया है। और मैं बुद्धिस्ट हूँ, आपको बोलता हूँ, मैं बुद्धिस्ट हूँ, दैट्स राइट, मैं देखो मैं साइंटिफिक टेम्पर रखने वाला बुद्धिस्ट हूँ। दैट्स राइट, हाँ, ये इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइंस और रिलीजन भी एक ही सवाल की जवाब ही देने की कोशिश करता है। पर ये बुद्ध का इन्फ्लुएंस ऑब्वियसली हमारे कानून व्यवस्था में भी है, क्योंकि हम जब कोर्ट जाते हैं, कहीं भी जाती है, तो देखते हैं अशोक चक्र, तो ऑब्वियसली अशोक ने बुद्धिज्म फैलाने के लिए ही एक ये सिंबल एस्टेब्लिश किए थे। पर आपको, आप कोर्ट ये फिल्म के ऊपर थोड़ा आते हैं, फिर उसके बाद हम खत्म करेंगे, तो ये कोर्ट मूवी की जो आपने म्यूजिक डायरेक्ट की, वो ये एक्सपीरियंस कैसा था? ये कानून व्यवस्था के साथ आपका भी काफी सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं इसके पहले, पर ये जब जब आया चैतन्य तम्हाणे आपके पास कि ये मूवी के ये नारायण काबले की ये जो लोक शायर की कैरेक्टर है, आपको बोध गाना गाने के लिए एक और मूवी और म्यूजिक कंपोज करने के लिए, तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, थोड़ा बताएंगे? बहुत अच्छे बच्चे थे, मतलब आपके जैसे, आपके एज के रहेंगे, आपसे भी छोटे रहेंगे, और मैं तो ऐसा, तो मैं बुड्ढा है,
वो ढूंढते ढूंढते आ गए, क्योंकि मैंने शिवाजी अंडरग्राउंड किया था। हाँ अब ये मेरा एक दोस्त है रामू रामनाथन, ये रामू मेरा बहुत नजदीकी दोस्त है और बड़ा प्ले राइटर है, बहुत बड़ा नाटककार है। अभी आपने उसके नाटक देखे कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन अच्छा आदमी है, नाम सुने हैं। बहुत हाँ अच्छा आदमी है। तो उसके थ्रू से कुछ कांटेक्ट उसको मिला, तो बोले भाई आप संभाजी के पास जाओ, ये दादा के पास जाओ, आपको सब। तो ये बच्चे आ गए तो मुझे तो एकदम यंग लगे, और बोले कि हमको सिनेमा करना है। तो वैसे तो बहुत सारे बच्चे आते हैं ना मेरे पास में, बहुत सारे बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं साथ में, हम पढ़ते हैं और निकल जाते हैं, फिर बाद में जो भी करना है करते हैं, ठीक है। तो वो आ गया, बोला दादा ऐसे ऐसा करना है। तो मैं बोला भाई अभी इसका पहले तो क्या तुम्हारे पास में क्या है, स्टोरी क्या है। मैं बोला ये लीगल सिस्टम जो है इसके बारे में करना है। तो मैं बोला कि लीगल सिस्टम पे तो बहुत सारी हिंदी फिल्म आए, आप क्यों नया करना चाहते हैं। तो बोला नहीं भाई कुछ अलग बताना, कर मेरे को लगता है कि अच्छा कुछ करेंगे। तो उसने मेरे को स्टोरी लाइन और थोड़ा बहुत बताया, फिर मैंने उन लोगों के साथ में, ये इतने बच्चे अच्छे थे, वैसे बहुत ही अच्छे बच्चे, आपका जनरेशन थोड़ा इंडिफरेंट है लेकिन ये बच्चे बहुत अच्छे थे, ये आए। और मतलब मैं बैठता था तो मेरे साथ में 6 6 5 5 घंटा भी बैठते थे और पूरा सुनते थे, रिकॉर्ड करते। और मैं बोला रिकॉर्ड काहे को करता है, बोला यही तो है सब। हाँ तो बहुत रिकॉर्ड करता था। अभी मैं बोला कि अरे यार तुम तो एक मिडिल क्लास से, मिडिल क्लास का ही लड़का था है ना वो। तो मैं बोला यार पैसा नहीं होगा तुम्हारे पास में। तो मेरा तो पहला एक्सपीरियंस था कि अपना नाटक करने का है, तो जाओ प्रोग्राम करो, उससे पैसा कमाओ और फिर नाटक करो, ये मेरा पहले से पैटर्न है कि जो भी किसके पास से पैसा नहीं लेने का, अपना खुद का पैसा डालने का करने का। तो मैं उसको बोला कि देख मैं प्रोग्राम करता है और ये सिनेमा के लिए अपन, ये अच्छा है आइडिया, अच्छा है तेरा ये आइडिया, में ये चीजें ऐसा 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 डालो तो ये बन जाएगा। तो बोला ठीक है। और बोला पैसा, तो मैं बोला पैसा भी करना पड़ेगा, तो मैं कार्यक्रम करता हूँ उससे पैसा आएगा, उससे हम सिनेमा बनाएंगे। तो बोला दादा ये पैसे का कुछ कर लेंगे, एक लड़का है जो पैसा डाल रहा है, तो विवेक दूसरा जो है ना वो विवेक बहुत अच्छा लड़का है, हाँ वो तो ज्यादा इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है, मतलब ये एडिट करो, लेकिन मैं उसके बारे में मतलब वो एक इंसान है कि बहुत अच्छा इंसान है, बहुत सिंपल, उसके पास में पैसा है मालूम भी नहीं पड़ता है, सर चेहरा देखेगा तो लगता है कि गरीब है। लेकिन उसके चेहरे पे कोई गुरूर नहीं है, कुछ सेल्फलेस, वो एकदम अच्छा लड़का है एकदम। तो बोला नहीं नहीं ये करेगा थोड़ा बहुत। तो मैं बोला ठीक है लगेगा तो मुझे बोल देना, मैं थोड़ा एक जो दो चार प्रोग्राम करता हूँ और थोड़ा बहुत पैसा ला के देगा तेरे को। तो नहीं बोले कोई जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद में मैं, वो बोला कि अभी क्या क्या करने का है। तो बोले कि नहीं अभी हमको कैरेक्टर का जरा करना पड़ेगा। मैं बोला देखो मेरा तो आइडिया ये है कि कोई एक्टर को मत लो, एक्टर लोगों का बहुत नाटक रहता वो एक्टिंग करते हैं, वो रियलिस्टिक नहीं होते। तो बोले हम तो पहले ही सोचा है ऐसा कि एक्टर लेना ही नहीं है, तो तुम हमारी मुंह की बात छीनी। मैं बोला बहुत अच्छी बात है यार, दोस्त मिल गए तुम, मेरे को भी यही करने का, ये ऐसा ही करने का दिमाग में। तो बोले नहीं नहीं एक्टर को नहीं ले, तो फिर रियल कैरेक्टर ढूंढेंगे। तो फिर अभी झोपड़पट्टी में तो हम ही, जाना आना तो हमारा पूरा जिंदगी है झोपड़पट्टी। तो मैं बोला आपको ढूंढेंगे, लेकिन ये इतने स्टडी करने वाले बच्चे थे, उन्हें बाद में मालूम पड़ा मुझे ये बहुत खतरनाक स्टडी स्टडी आदमी है। तो इसका एक ऑफिस है, उसमें वो अलग अलग लोगों को बुला के उनका इंटरव्यू लेके वो रखते थे। 1.5 साल वो लोग कास्टिंग कर रहे थे, 1.5 साल कास्टिंग कोई करता है क्या? अरे भाई स्टोरी लिखा तो 2 दिन का काम है कास्टिंग। समझ मतलब जो गया। पहला ही मालूम पड़ता है, पहला ही रहता है दिमाग में कि भाई इसमें ये शाहरुख खान करेगा, इसमें अभी करेगा फिर या कौन करेगा, वो लोगों का मेरा नहीं। स्टोरी बाद में आता है, पर हाँ तो ये बोला 1.5 साल क्या कर रहा है, और वो कास्टिंग डायरेक्टर था, वो बहुत होशियार था, हाँ लगता है अरे बहुत खतरनाक आदमी, उसको देखेगा तो लगता नहीं कि वो इतना होशियार है। तो ये गाना कैसे बना? ये गाना भी आप ये फिल्म के लिए ओरिजिनल लिखे या फिर ये आपका पुराना गाना है? हाँ फिर वो करते रहे करते रहे, फिर बाद में बोले कि दादा आप, मैं बोला अभी कुछ नहीं, बोले आप रोल करेंगे। मैं बोला रोल तो नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा मैं रोल, तो क्योंकि मैं तबियत से जाड़ा है और मेरा इतना एज भी ऐसा दिखता नहीं। मैं बोला वो कैरेक्टर के लिए अच्छा नहीं है वो ऐसा करना।
तो फिर बाद में वो बोले कि दादा आप गाना तो लिखेंगे। मैं बोला आपके साथ में रहूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बहुत अच्छे लोग हैं, मैं आपके साथ में रहूंगा। मैंने बोले गाना लिखो, आप म्यूजिक करो इसका। फिर गाना लिखे, अभी गाना लिखे तो मैं मराठी फोक के हिसाब से काम किया और वो गाना तैयार भी किया, एक गाना उसका रिहर्सल भी किया, और उसके बाद में वो उसको तामिनी को दिखाया, चैतन्य को। ये लगा भी ये क्या है, अपन जो लिखेगा वही लेगा ना। गाना सुना और उसके बाद में मेरे बाजू में लेके बोलता है, दादा ये गाना मुझे नहीं चाहिए। इतना दिन से काम कर रहा है इसके ऊपर, नहीं चलेगा। बोला गाना तो अभी परसों करने का है। फिर मैं बोला ठीक है नया गाना लिखता हूँ। नया गाना रात भर में बैठा, हारमोनियम लेके धुन निकाला, नया गाना निकाला, नया गाना करके रेडी किया और उसको बोला, बोला ये बात है ये चाहिए। तो सुनाइए वो गाना थोड़ा सा हमें। तो वही ना जब शुरुआत में सुनाया वही गाना, अच्छा वही, पर एक दो और भी गाने थे ना कोर्ट में। धन्य धन्य तुम्ही सरकार, धन्य धन्य तुम्ही सरकार, प्रेम अपार दया घनदार, पवाड़ा ऐका पवाड़ा, गातात मर्दाचा ऐकला का कधी उपकाराचा, पवाड़ा ऐका भाराचा रे जी जी, पवाड़ा ऐका भाराचा जी जी। ये उसको अच्छा लगा, फिर मैं बोला ठीक है ये करते हैं। तो ये पूरा नारायण कांबड़े का जो कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर को बहुत अच्छे तरह से समझने की कोशिश है लोगों ने किया और वो खड़ा किया। और वो रोल जो भी है वो भी मेरा दोस्त है, वो हमारे साथ में काम करता था, मतलब दूसरे इसमें जलसा में, तो वही तो उसने बोला कि इनको हमें सिलेक्ट किया। तो मैं बोला बहुत अच्छा है करो, ले लो उसको, करने दो उसको, और किया उसने बहुत अच्छा किया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एंड फॉर ऑल दोज हु हैव नॉट सीन कोर्ट, इट इज अ मस्ट सी मूवी, एज इन इफ यू वांट टू रीड एंड अंडरस्टैंड द रियल स्टोरी अबाउट जुडिशियल रिफॉर्म्स एंड द डिलेज इन द जस्टिस सिस्टम, बेटर देन रीडिंग एनी आर्टिकल इज वॉचिंग द फिल्म कोर्ट टू अंडरस्टैंड वॉट इज अ रियलिस्टिक डिपिक्शन ऑफ वॉट हैपन्स इन कोर्ट्स इन द कंट्री टूडे। और संभाजी, लास्ट क्वेश्चन संभाजी भाई आपके लिए, तो आपको क्या लगता है ये थोड़ा सा भविष्य के बारे में, आप तो बोले हैं कि इंडिया का अभी वर्ल्ड में ही एक क्राइसिस चल रहा है, आपको क्या लगता है हम ये क्राइसिस से निकलेंगे? जरूर निकलेंगे भाई, मैं बहुत आशावादी हूँ, क्योंकि अंत में धर्म राष्ट्र से प्रश्न छूटते नहीं। हमारे बाजू में पाकिस्तान है, धर्म राष्ट्र है, काफी धर्म राष्ट्र हो चुके हैं, उसे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए हैं। बाद में मालूम पड़ेगा लोगों को, आज जो मैं बात कर रहा हूँ 10-15 साल के बाद में, हम रहे न रहे, हम रहेंगे, आप भी रहेंगे, आप तो रहेंगे, मेरा कुछ भरोसा नहीं। नहीं, आप भी रहेंगे, आप भी रहेंगे। ये मेरा शब्द लिख के रखो कि हाँ हम इससे निकलेंगे और एक बहुत अच्छा दुनिया, एक बहुत अच्छा देश, हमारा प्रिय भारत, हमारा जो कंट्री है, ये बहुत डेमोक्रेटिक तरीके से चलेगा। लेकिन इसके पहले हमको बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत काम करना पड़ेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं वो भी बताते हैं, ये इंडिया को बनाने के लिए क्या कर रहे हैं। अभी गाना गाता है, मैं जाता है गाना गाता है, लेकिन सिर्फ गाना नहीं गाता है, हमने एक इंसानियत की पाठशाला शुरू की है, जो डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस रेज करने के लिए बच्चों लोगों से लेके ही काम शुरू करते हैं। और वो अभी ऑनलाइन चलता है, ऑफलाइन अभी पहले था, अभी ऑनलाइन चलता है। और ये इंसानियत की पाठशाला अभी जल्दी हिंदी में शुरू होने वाली है, ये मराठी में अच्छा चल रहा है अभी, अच्छा, तो चलेगा आगे। कहाँ पे है ये पाठशाला? ऑनलाइन रहता, ऑनलाइन में? अच्छा कोविड की वजह से, जैसे अच्छा कोविड खत्म हो जाएगा हम ऑफलाइन करेंगे। चलिए बढ़िया। थैंक यू वेरी मच संभाजी भाई, दैट वाज अ वंडरफुल एपिसोड एंड इट वाज अ रियल प्लेजर टू हैव यू ऑन इट। बट द एपिसोड्स नॉट ओवर येट, इट्स टाइम फॉर क्लैटर, आवर लीगल क्विज दैट्स अ बिट टफर देन क्लैट। First, our answer from last week. You'd remember that the question was that there was a case filed against Facebook in 2018 in a California federal court, which it settled with a huge settlement of $40 million. The actions of Facebook that led to this lawsuit were an inflation of its video view metrics in order to attract more ad spend. This was a tough question, but the winner is Dr. Rajat Lokur of the Belgaum Institute of Medical Sciences. Dr. Lokur, many congratulations, an Amazon gift voucher coming your way. This week's clatter question is perhaps appropriately on Ambedkar, something that we've discussed with Sambhaji for the better part of the episode.
दिस मेजर पॉलिटिकल लीडर फाउंडेड वन ऑफ इंडियाज फर्स्ट कम्युनिस्ट ट्रेड यूनियंस इन 1928 ही लेड द यूनियंस फर्स्ट मेजर स्ट्राइक इन अ टेक्सटाइल मिल. अम्बेडकर सजेस्टेड दैट वन ऑफ द इश्यूज दैट ऑट टू बी रेज्ड वाज इक्वालिटी एंड एंटाइटलमेंट विद इन द रैंक्स ऑफ वर्कर्स. दिस जेंटलमैन हाउएवर डिड नॉट अग्री एंड दिस लेड टू अ लॉन्ग एंड बिटर फॉलिंग आउट इंक्लूडिंग the one of the reasons for Ambedkar losing the 1952 general election. Who is this major political leader? Write in with your answers to justify at vidhilegalpolicy.in. All right answers have a chance to win an exciting Amazon gift voucher for the holiday season. And because it's the holiday season, we're going to take a 2-week hiatus and we'll be back with new episodes in January. So take care. Have a good holiday season and thank you very much for listening. Adjourn. If you enjoyed listening to this podcast, follow us on Twitter at @Vidhi_India for regular updates. We are on SoundCloud and Spotify as Vidhi Center for Legal Policies podcast. You can also listen to us on Google Podcasts or iTunes. Email us at justify@vidhilegalpolicy.in to share your comments and feedback on this episode.